नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज का हमारा विषय है एडवर्ब क्लॉजेस। दरअसल पिछले वीडियोस में हमने जाना क्लॉजेस शब्दों के समूह होते हैं जो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। वे छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो बड़े बड़े वाक्यों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बड़े बड़े वाक्यों का वे हिस्सा होते हैं। क्योंकि हमने नाउन क्लॉजेस और एडजेक्टिव क्लॉजेस को अच्छी तरह से जान समझ लिया है, अब बारी है एडवर्ब क्लॉजेस की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, पहले हम एडवर्ब समझ लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव और इवन एन एडवर्ब इटसेल्फ। यानी कि ऐसा शब्द जो क्रिया के अर्थ में कुछ जोड़े या विशेषण यानी एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ जोड़े या खुद एडवर्ब के अर्थ में भी कुछ ऐड करे वो एडवर्ब कहलाता है। और आमतौर पर इनकी पहचान किस तरह से होती है, जो हमें बताए कि किसी काम करने का ढंग क्या है, यानी उसका मेथड क्या है, मैनर क्या है, किस तरह से वो काम हो रहा है, कहां पर हो रहा है यानी उसका प्लेस क्या है, किस समय पर हो रहा है, उसका स्थान क्या है, उसका समय क्या है, यानी स्थान समय बताने वाले और काम करने के तरीके बताने वाले जो शब्द होते हैं कि काम धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, यानी इस तरह की बातें जो हमें बताते हैं यहाँ हो रहा है या वहां हो रहा है, इस समय हो रहा है, किस समय हो रहा है, ये सारी जानकारियां हमें जो दें वो शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। अब जब इन शब्दों का काम एक शब्दों का समूह करे जिसका उसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, यानी बड़े वाक्य के अंतर्गत एक छोटा वाक्य आया, उस पूरे वाक्य ने कुल मिलाकर के वही काम किया जो कि एक शब्द कर सकता था, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, तो एडवर्ब की जगह पर उस छोटे वाक्य ने आकर के एडवर्ब का ही काम किया, इसलिए हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक वाक्य है यू मे सिट एनीवेयर। आप किसी सभा कक्ष में, किसी असेंबली हॉल में आए और आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां बैठूं, तो मैंने आपसे कहा यू मे सिट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। एनीवेयर एक ऐसा शब्द था जो कि एडवर्ब था और मैंने आपको बैठने का स्थान बताया, इस पूरे हॉल में आप कहीं भी बैठ सकते हैं, यू मे सिट एनीवेयर। तो एनीवेयर एक एडवर्ब था। अगर मैं आपसे ये कहूं यू मे सिट एट एनी प्लेस, जहां एनीवेयर एक शब्द था, एट एनी प्लेस तीन शब्द है, और इन तीनों शब्दों ने मिलकर के वही काम किया जो एनीवेयर अकेला एक शब्द कर रहा था। जब वो अकेला एक शब्द था हमने उसे कहा एडवर्ब, जब वो तीन शब्द बनकर के आया तो हमने उसे कहा एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज क्यों कहा? क्योंकि वो तीनों शब्दों ने मिलकर के एक काम किया, इसलिए वो फ्रेज हो गया। एडवर्ब का काम किया इसलिए एडवर्ब फ्रेज हो गया। पर यदि मैं इसे एक छोटे वाक्य में तब्दील कर दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा यू मे सिट wherever you like, wherever you like, जहां कहीं भी तुम्हें पसंद हो तुम वहां बैठ सकते हो। तो wherever you like ने वही काम किया जो at any place ने किया था या जो anywhere ने किया था। इस तरह से एक छोटा सा उपवाक्य यहां पर आया wherever you like, wherever you please, please मतलब जहां तुम्हें खुशी मिले वहां बैठ जाओ, wherever you like, जहां तुम्हें पसंद आए वहां बैठ जाओ। इस तरह से ये like और please जो है वो दरअसल verbs है और you यहाँ पर subject है, तो जहां subject भी है verb भी है यानी predicate भी है वहां पर अपने आप में एक छोटा सा वाक्य तैयार है और उस छोटे से वाक्य ने adverb का काम किया, इसलिए उसे हम adverb clause कहेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। She returned at dusk. वह लौटी शाम के समय गोधूली बेला में। गोधूली बेला यानी शाम का समय जब
सूरज डूब चुका होता है उस समय थोड़ा थोड़ा आकाश लाल होता है वो समय डस्क कहलाता है। तो हमने कहा शी रिटर्न्ड एट डस्क, यानी कि वो शाम को लौटी या गोधूली बेला में लौटी। अगर मैं इस वाक्य को दूसरे तरह से कहूं तो ये भी हो सकता है कि मैं कहूं शी रिटर्न्ड आफ्टर द सन हैड सेट। आफ्टर द सन हैड सेट यानी वह लौटी सूरज के डूब चुकने के बाद। बात मैंने वही कही, कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ा, पर इसी हाथ से इसी कान को पकड़ा, यानी कि हमने बात कहने का अंदाज बदला है, अर्थ नहीं बदला, आशय नहीं बदला, तात्पर्य या भावार्थ बिल्कुल भी नहीं बदला। पहले वाक्य का भी वही मीनिंग था जो इस वाक्य का है, पर कहने का अंदाज थोड़ा बदला और वो जो दो शब्द थे ना एट डस्क, उसकी जगह पर आ गया आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज डूब चुकने के बाद। जब सूरज डूब चुका था उसके बाद वह आई। तो ये जो सन है, हेड सेट है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए और इस तरह से एक छोटा सा वाक्य बना और पूरे वाक्य ने मिलकर के एडवर्ब का ही काम किया, यानी समय बताया कि वो जो लौटी वो कब लौटी, व्हेन का आंसर दिया। मैंने कहा था आपको कि एडवर्ब एक शब्द होता है जो हमें बताता है कि काम कब हुआ, कहां हुआ, काम किस तरीके से हुआ। इस तरह से उसने केवल समय बताया उसके लौटने का। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आई कुड रन व्हेन आई वाज वन। ये वाक्य पहले भी कभी मैं बता चुका हूं और इसका मतलब है जब मैं एक बरस का था मैं दौड़ सकता था। आई कुड रन व्हेन आई वाज वन। इसमें व्हेन आई वाज वन ये टाइम बता रहा है, व्हेन आई वाज वन। तो व्हेन आई वाज वन ने किस प्रश्न का उत्तर दिया? When, मैंने पूछा आई कुड रन when, कब दौड़ सकते थे, उत्तर आया when I was one, I was one। ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है और ये बता क्या रहा है, कार्य के होने का समय बता रहा है। इसलिए ये भी एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इसमें इसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। एक और उदाहरण हम देखें। I shall remain here। यदि मैं कहूं I shall remain here तो एक शब्द में मैंने बता दिया किस जगह पर मैं बना रहूंगा। मैंने कहा मैं यहीं पर बना रहूंगा, I shall remain here। Here एक शब्द है और पूछेंगे कि ये क्या है तो हम उत्तर देंगे कि वो एक एडवर्ब है क्योंकि वो बता रहा है what place, where, किस जगह पर। Here, इस जगह पर मैं बना रहूंगा। अगर मैं हियर को थोड़ा लंबा करूं और एक छोटे से वाक्य में तब्दील करूं तो कुछ ऐसा होगा, आई शैल रिमेन वेयर आई एम या वेर एवर आई एम, जहां कहीं भी मैं हूं वहीं पर मैं बना रहूंगा। यानी हियर कहने की बजाय मैंने कहा वेर एवर आई एम या वेयर आई एम। तो वेयर आई एम या वेर एवर आई एम ये जो है ये एक उपवाक्य है, ये क्लॉज है और चूंकि ये क्लॉज एडवर्ब का काम कर रहा है, जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है, इसलिए वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। विल यू कंटिन्यू टू कुक टिल आई गेट बैक। विल यू कंटिन्यू टू कुक, क्या आप भोजन बनाना जारी रखेंगे, कब तक, उत्तर आया जब तक कि मैं लौट के नहीं आ जाता। तो जब तक कि मैं लौट के नहीं आ जाता या जब तक कि मैं लौट कर आता हूं, क्या तब तक आप खाना बनाना जारी रखेंगे। विल यू कंटिन्यू टू कुक टिल आई गेट बैक। तो टिल आई गेट बैक जो है वो अपने आप में एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि वो एक छोटा वाक्य है, उसमें आई एक सब्जेक्ट है, गेट बैक प्रेडिकेट है और इस तरह से हमारा काम एक छोटे उपवाक्य ने किया और वो एडवर्ब का काम किया, इसलिए एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। एक और उदाहरण और ये आखिरी उदाहरण जिसे हम समझेंगे वो है इन हिज एब्सेंस आई स्पोक टू हिज फादर।
इन हिज एब्सेंस, ये तो जुमला है, ये एक फ्रेज है, इन हिज एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसके पिता से बात की. इन हिज एब्सेंस आई स्पोक टू हिज फादर. इन हिज एब्सेंस को अगर मैं छोटे वाक्य में बदलूं तो ये होगा, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर. चूंकि वो वहां नहीं था, जब वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज फादर. When he was not there, as he was not there, ये जो छोटा सा वाक्य है, जब वो वहां नहीं था, ये मैंने समय बताया है और ये पूरा का पूरा अपने आप में वाक्य है. He was not there, ये तो अपने आप में एक सेंटेंस हुआ ना. चूंकि एक सेंटेंस है इसलिए सेंटेंस के तहत आने की वजह से छोटा सेंटेंस उपवाक्य यानी क्लॉज कहलाएगा. काम कर रहा है एडवर्ब का, इसलिए एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा. अंत करेंगे एक परिभाषा से और वो परिभाषा है एडवर्ब क्लॉज की. एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. यानी कि एक एडवर्ब का काम करने वाला शब्दों का एक समूह, एक छोटा वाक्य जिसका अपने आप में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है. हमने तीनों प्रकार के क्लॉजेस समझ लिए हैं, तीनों प्रकार के फ्रेजेस समझ लिए हैं और धीरे धीरे हम अपनी पकड़ को अंग्रेजी पर मजबूत बनाते चले जा रहे हैं. आगे हम तरह तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे जिनमें इन क्लॉजेस का इस्तेमाल होगा और तब आपको संभवतः अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्लॉजेस सीखने की वजह क्या थी. आज के लिए इतना ही. नमस्कार. जय हिंद. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें. धन्यवाद.